हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले तनला प्लेटफॉर्म के बारे में। आप देख सकते हो इसके आज के दिन 10% की रैली हुई है शेयर में। 816 रुपीज पे चल रहा है अभी भी स्टॉक और क्लोज हुआ है। ये देख सकते हो अभी 816 रुपीज, लगभग 80 रुपीज की बढ़त हुई है शेयर में। और इन्होंने बायबैक अनाउंस करना है अभी इनको, और इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी थी 25 अक्टूबर, तो अभी तक तो इनका बायबैक आया नहीं है और आने की थोड़ी सी उम्मीद है अभी। तो थोड़ा सा न्यूज चल रहा था इनका बायबैक की न्यूज आने वाली थी, इसकी वजह से आज के दिन इस शेयर में जबरदस्त रैली हुई है। और आप देख सकते हो ये कंपनी बहुत ही ऊपर से नीचे आ चुकी थी, क्रैश हो चुका है ये शेयर, लगभग 60% तक क्रैश हो चुका है। और अभी देख सकते हो ये कंपनी काम करती है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में और सोल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है टेलीकॉम सेक्टर में। और आप देख सकते हो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, ये क्रिटिकल एसएमएस वगैरह डिलीवरी में काम करती है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और बहुत सारे प्रोडक्ट है इस कंपनी के। आप देख सकते हो मेकिंग मल्टी चैनल कम्युनिकेशन, IoT में काम करती है ये कंपनी, और बहुत सारे इनके टेलीकॉम सेक्टर में प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस है। और अभी हम आते हैं कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 11,112 करोड़, तो ठीक ठाक मार्केट कैप है कंपनी का। फेस वैल्यू 1 है, ये फ्यूचर में बोनस दे सकती है कंपनी। और अभी देखिए बायबैक वगैरह का न्यूज़ आ रहा है मार्केट में, तो इसकी वजह से इस शेयर में रैली हुई है। मगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न है कंपनी का। अभी आगे हम देखेंगे इस कंपनी का चार्ट पैटर्न। और देख सकते हैं इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड 6.7% का स्टेक है, अमेरिकन फंड इंश्योरेंस सीरीज 1% का स्टेक है इनके पास, और रिटेल इन्वेस्टर इसमें हेविली इन्वेस्टेड है। आगे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। और रेवेन्यू देखिए कंपनी का, कंटिन्यूअसली कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रो करने की कोशिश कर रही है और कामयाब भी हो रही है कंपनी। और 2022 में कंपनी ने 3,200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली जंप कर रही है कंपनी। कोविड में ये कंपनी बहुत ही लॉस में गई थी बड़े, और वहां से कंपनी ने जबरदस्त रिकवरी की है। अभी देख सकते हो 22 में कंपनी ने 539 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और आप देख सकते हो टोटल इनकम देखोगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो कर रही है। और इंटरेस्ट देखिए जीरो जीरो इंटरेस्ट पे करती है, जीरो इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, जबरदस्त कंपनी लग रही है आपको। मगर आगे चार्ट पैटर्न देखिए, पेनी स्टॉक था और पेनी से इसने जबरदस्त रैली की है इस शेयर ने। और नेट प्रॉफिट देखिए, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रही है कंपनी, क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। और आप देख सकते हो रिजर्व्स देखिए कंपनी के, कंटिन्यूअसली कंपनी अपने रिजर्व्स भी बढ़ाती जा रही है, और अभी 22 में कंपनी के पास 1,340 करोड़ के रिजर्व्स अवेलेबल है। और अभी हमारे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देख सकते हो खुद प्रमोटर भी अपना माल खरीद रहे हैं, और अभी 42 से ये 43.74% पे आ चुके हैं अभी। और FIIs देखिए, FIIs इन्वेस्टेड इसमें 13% थे, अभी 12.73% पे आ चुके। DIIs भी बहुत कम है इसमें, 1% के आसपास DIIs है। और पब्लिक देखिए, पब्लिक ने 43% माल उठा रखा है, और इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म से, जो भी पब्लिक है वो इन्वेस्टेड है, और ये शेयर लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर चुका है। अभी आप देख सकते हो ये 6 महीने में देखोगे तो लगभग 38% गिरावट में चल रही है स्टॉक, और ईयर टिल डेट में देखोगे तो लगभग 55% की गिरावट है शेयर में, 2,000 रुपीज से ये गिर रहा है स्टॉक। और मैक्सिमम देखोगे तो कंपनी ने बहुत ही खराब रिटर्न दिए, और अभी अभी 1-2 सालों में ये कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न बनाया। आप देख सकते हो 2012 में तो ये शेयर 6 रुपीज पे चल रहा था, और वहां से कंपनी थोड़ा थोड़ा रैली करते करते 100 रुपीज तक आ चुका था ये शेयर। और देखिए अभी कोविड के बाद इसमें जबरदस्त रैली स्टार्ट हो चुकी थी, और 2,000 रुपीज तक गया था ये शेयर, 100 रुपीज से 2,000 रुपीज तक गया था, और वहां से जबरदस्त क्रैश भी हुआ। आप देख सकते हो 2,000 के भी ऊपर चला गया था, और वहां से अभी ये 1,000 के नीचे आ चुका, और आज के दिन ही इसमें 10% की रैली हुई है। ऐसे रैली करते करते ये शेयर जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। आपने अगर जो भी आप पुरानी इन्वेस्टर हो इस शेयर में तो इन्वेस्टेड रहिए, और अभी आपको अभी खरीदना है तो आप छोटी क्वांटिटी उठाइए, ज्यादा खरीदने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये शेयर कभी भी आप देख सकते हो कितनी गिरावट हो चुकी है, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो आप फाइनेंशियल देखोगे तो अच्छे फाइनेंशियल है कंपनी के, मगर चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न है कंपनी का, बहुत तेजी से ऊपर गया और तेजी से नीचे भी आ चुका है, तो यहाँ से तेजी से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों साइड पे गिरावट, क्योंकि अभी आपको पता ही है अभी मार्केट ने आज के दिन जबरदस्त हाई बनाया है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सभी ने आज के दिन अपना हाई बनाया, रिकॉर्ड हाई बना के अभी थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुए हैं, तो इस शेयर ने आज के दिन रैली की है, मार्केट में रैली की थी इसकी वजह से भी हो सकती है, इनका बायबैक आने वाला है इसकी वजह से भी हो सकती है, ऑपरेटर का भी खेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर डिलीवरी चेक करोगे तो बहुत ही कम डिलीवरी है शेयर में, तो आप अगर इन्वेस्टेड है इसमें बहुत पुरानी बाइंग है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, और भी आगे निकल सकता है शेयर, मगर नीचे भी आ सकता है, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज है। अभी मार्केट ने बहुत हाई तो बना लिया, कब करेक्शन आएगा किसी को पता नहीं रहता है, बता के करेक्शन कभी भी नहीं आता है दोस्तों, तो करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस शेयर में तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और छोटी अमाउंट लगाइए, आप हेवीली इन्वेस्ट करने मत जाइए, क्योंकि ये यहाँ से शेयर 2,000 रुपीज को भी जा सकता है, और यहाँ से 500 रुपीज को भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अभी कंसोलिडेट तो कर रहा है इस प्राइस पे ये शेयर, मगर कब तक करेगा बता नहीं सकते, क्योंकि मार्केट
तो अभी टॉप पे चल रहा है और ये शेयर अभी भी 55% करेक्शन में ही चल रहा है। अगर मार्केट में जबरदस्त गिरावट आती है तो इस शेयर में भी गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियसली इन्वेस्ट कीजिए। अगर है तो होल्ड कीजिए, और नहीं है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और वेट के बाद ऐड करने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।